मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारतीय सनातन परंपरा संस्कृति समृद्धि सद्भाव संभाव समानता समर्पण और एकता के प्रतीक है। 500 वर्षों बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया गया जो पूरे देशवासियों के लिए हर्ष का विषय है। भगवान श्री राम हम सबके आराध्य है। उन्होंने अपने जीवन में त्याग और तपस्या का अनुपम उदाहरण पेश कर सत्य निष्ठा और धर्म पालन का जो संदेश दिया उसे हमें भी अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर भाव परिवार और कांग्रेस सेवा दल ने रक्तदान कर अपनी ओर से भगवान श्री राम के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। सौरभ लोधी भाव परिवार प्रमुख। साथियों, आज 5 अगस्त का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज अयोध्या में पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संपूर्ण देश में खुशी का माहौल है। इसी खुशी के माहौल को हम लोगों ने आज रक्तदान करके मनाने का निर्णय लिया था, जिसके तहत आज भाव परिवार हमारे पटना संघर्ष समिति के साथी दीपक पुष्पतोड़े जी एवं अन्य युवाओं के द्वारा जिला चिकित्सालय बालाघाट में पहुंचकर रक्तदान किया गया है। आज हमारे 11 साथियों के द्वारा इस खुशी के पल पे रक्तदान कर मानव जीवन दान देने का कार्य किया है। मैं समस्त बालाघाट जिले वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ साथ दूसरा पक्ष हमारे भारत देश में कोरोना संकट भी चल रहा है। मैं संपूर्ण भारतवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि वर्तमान कोरोना संकट में रक्तदान के शिविर नहीं लग पा रहे तो समस्त बालाघाट जिले की युवा शक्ति मातृशक्ति जागरूक नागरिकों से निवेदन करूंगा कि वर्तमान में रक्तदान की कमी को देखते हुए जिला चिकित्सालय बालाघाट पहुंचकर रक्तदान करें और मानव जीवन को जीवन दान देने के कार्य में सहभागी बने। जय श्री राम। मैं दीपक पुष्पतोड़े संयोजक पठार संघर्ष समिति। आज हम जिला चिकित्सालय में यहाँ पे कुछ युवा साथी रक्तदान करने आए तो मैं बताना चाहूंगा कि आज का दिन जो है बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि स्थल अयोध्या में उनके मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम होने जा रहा है। ये हमारे पूरे गर्व की बात है और ऐतिहासिक दिन है जिसमें हम भाव परिवार और पठार संघर्ष समिति के नेतृत्व में हम जो रक्तदान की जो मुहिम चलाते हैं उसमें आज मेरा ये 18वीं बार रक्तदान हो रहा है। और मैं समस्त बालाघाट जिले की युवा साथियों से और अन्य जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि आप भी समय समय पर रक्तदान करें और मानव सेवा में पुनित कदम को बढ़ावा दें। और वैसे ही मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी कोरोना काल में जगह जगह पे जो शिविर लगते थे वो नहीं लग रहे, तो आप स्वयं जिला चिकित्सालय पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रक्तदान करें और पुनित कार्य में सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।